कॉस्मिक बाइट थीमिस आ गया हमारे पास। थीमिस, थेमस, क्या मतलब है इसका, गूगल कर लेते हैं भाई। ग्रीक रिलीजन के हिसाब से पर्सोनिफिकेशन ऑफ जस्टिस। अब ये कीबोर्ड हमें कितना जस्टिस दिला पाएगा गेमिंग में, वो आज आपको पता चल जाएगा। ये हमारा चीपेस्ट 60% पर की आरजीबी वाला कीबोर्ड है। बिल्कुल सही पढ़ा आपने टाइटल में, वो वीडियो में पता चल जाएगा। डब्बा ओपनिंग, तो हमारे को कुछ ऐसा पीला काला बॉक्स मिल जाएगा। एक निकल जाता हमारा कीबोर्ड, टोपियां खींचने वाली टुपली और एक टाइप ए टू टाइप सी केबल, वो भी ब्रेडेड वाली भाई साहब। एंड यस, इसके अंदर से यूजर मैनुअल नहीं निकली। वेल डन कॉस्मिक बाइट, वेरी नाइस, एप्रिशिएटेड। तो ये निकल जाता हमारा सुंदर सा छुटकू सा कीबोर्ड। तो कुछ ऐसी लुक में हमारा कीबोर्ड आता है, 60% फॉर्म फैक्टर में, छोटा सा एकदम। और बात करते हैं यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी को लेके, तो बिल्ड क्वालिटी भी हमारे को काफी यहाँ पे सॉलिड मिल जाती है, मतलब प्लास्टिक बिल्ड में, बट प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी है। पीछे यहाँ पे हमारे को टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा जहां पे हमारी केबल लगती है, और इसकी केबल की जो लेंथ है वो 1.5 मीटर है। तो 1.5 मीटर इनफ, कहीं भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। और जितने भी यूएसबी कंपोनेंट्स के मैं रिव्यूज बनाता हूं ना, यूएसबी वाले कंपोनेंट कोई भी हो, मतलब चाहे कीबोर्ड है, माउस है, हेडफोन है, वो जिस जिस प्लेटफॉर्म पे ऑफिशियली सपोर्ट करता है वो करेगा। जैसे हमारा कीबोर्ड है, ये पीसी पे भी चलता है, एंड्रॉइड पे भी चलता है, PS5 पे चलाना हो, एक्सबॉक्स पे चलाना हो, आप सारे प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हो। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई कीबोर्ड करेगा नहीं करेगा, सब सपोर्ट करते हैं भाई। बस आपका सामने वाला जो प्लेटफॉर्म है वो सपोर्ट करना चाहिए। जैसे एक्सबॉक्स पे यूएसबी हेडफोन्स नहीं चलते, मतलब जो सपोर्टेड होते हैं वही चलते हैं। तो मतलब समझ रहे हो ना जो मैं कहना चाह रहा हूं? हाँ, बस वही है। और बात आती है की कैप्स की, तो इंजेक्शन मोल्डेड डबल शॉट की कैप्स हमारे को मिल जाएंगी। आसान भाषा में समझाया जाए तो जितना मर्जी टाइपिंग वाइपिंग करो मिटेंगी नहीं है। बाकी देखो, ऐसा कंपनी ने बोला है, आज से 2-3 साल 4 साल बाद जो यूज कर रहा होगा वो कमेंट करके बताना भाई, आज तक मिटी नहीं है, भले कीबोर्ड खराब हो गया। और जैसे कि हमारा मैकेनिकल कीबोर्ड है, इसके अंदर Otemu के ब्लू स्विचेस हमारे को मिल जाते हैं, जो अभी हमारे पास मॉडल है। और कॉस्मिक बाइट वालों का कहना है कि फ्यूचर में रेड और ब्राउन स्विचेस में भी ये आएगा। तो अगर अभी आपको खटर पटर पसंद है तो ब्लू स्विच लो, वरना ब्राउन और रेड का वेट कर लो, वो शांति वाले हैं। और जिनको स्विचेस के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस जानना है, मेरा शॉर्ट चैनल है और इवन इंस्टाग्राम पे भी रील डालता हूं, सेम ही चीज डालता हूं दोनों तरफ, तो दोनों जगह फॉलो कर लो, वहां पे देख सकते हो नॉलेज। और हाँ, जब स्विचेस की बात चली रही है तो स्विचेस के साउंड नहीं सुनोगे क्या तुम? वैसे तुमने ब्लू स्विच की बहुत सुन रखी है, एक बार फिर सुन लो, एक मन की संतुष्टि ASMR। आ जाओ सुनवाता हूं। और ये कीबोर्ड हमारा ऑल की एंटी घोस्टिंग के साथ आता है, मैं इसको चेक कर चुका हूँ। हम साइमल्टेनियसली ज्यादा कीज भी अगर दबाते हैं तो कोई कीबोर्ड फेलियर नहीं होता। तो गेमिंग कीबोर्ड है, डेफिनेटली बढ़िया चीज है। अब आ जाता है सर दिल से जुड़े हुए पार्ट पे। किस पे सर? RGB लाइट है, मोर FPS जिंदगी। इसके अंदर हमारे को 10 प्रीसेट्स मिल जाते हैं RGB के। एक बार तो पहले आप उन पर नजर मार लो। और आपने टाइटल में क्या पढ़ा और मैंने क्या बोला था शुरू में, पर की RGB। इसके अंदर हमारे को सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी मिलता है, देखना है? आओ दिखाता हूं। तो जब आप इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे, कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 3 प्रोफाइल्स मिल जाएंगी जो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग, कोई गेम के अकॉर्डिंग या अपने काम के अकॉर्डिंग। तो जो भी आप सेटिंग करोगे वो डिफरेंट प्रोफाइल पे लग जाएगी। और नीचे आप जाते हैं, यहाँ पे आपको सारे इफेक्ट्स मिल जाते हैं, जो आपको 10 इफेक्ट्स मैंने दिखाए थे, जो हम कीबोर्ड से भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से आप लाइट्स ऑफ भी कर सकते हो। उसके बाद पर की RGB करने के लिए यहाँ पे नीचे गेम मोड आपको मिल जाएगा। गेम मोड आप सेलेक्ट करोगे और जो भी कलर आपको सेट करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ग्रीन कलर सेलेक्ट किया और ग्रीन कलर हमने इन 3 बटन पे सेट कर दिया। उसके बाद यहाँ से ब्लू लेते हैं, ब्लू हमने यहाँ सेट कर दिया, रेड लेते हैं, रेड हमारा यहाँ पे सेट हो चुका है। तो यहाँ पे आप कीबोर्ड पे देख सकते हो सेम कलर हमारे यहाँ पे सेट हो चुके हैं। और यहाँ पे आपको मैक्रो भी मिल जाती है। मैक्रो जिसको नहीं पता बता देता हूँ, हम यहाँ पे कस्टम की सेट कर सकते हैं कि हमारे को किसी बटन से कौन सा एक्शन हमारे को चाहिए, वो सारी चीजें हम इस कीबोर्ड यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। और इसके सॉफ्टवेयर का लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, बाय चांस वेबसाइट पर ढूंढने में दिक्कत हो। और मैक्रो के बारे में बता रहा हूँ ना आपको, मैक्रो का फायदा क्या है, यहाँ पे हमारे को जो 60% कीबोर्ड मिलते हैं, इसके अंदर जो एरो कीज होती है वो हमारी कंट्रोल ऑल्ट और इन सब कीज के अंदर ही मिक्स होती है, तो हमारे को FN के साथ यूज करनी पड़ती है। अब हमने Zeb Max Ninja का रिव्यू किया था, वो काफी एक्सपेंसिव कीबोर्ड था, 4000 रुपीज का। उसके अंदर हमारे को ऑप्शन मिलता था कि हम एरो कीज और कंट्रोल ऑल्ट वगैरह दूसरी कीज को चेंज कर सकते हैं। बट जैसे हमारा ये वाला कीबोर्ड हो गया, एंटी स्पोर्ट्स का MK 1200 हो गया, 1300 हो गया, और भी अगर दूसरे 10 keyless कीबोर्ड अगर हम देखते हैं, उनके अंदर सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर सपोर्ट है। तो मैक्रो के थ्रू आप अपनी एरो कीज यहां पे परमानेंटली सेट कर सकते हो बजाय FN के साथ यूज करने के। तो यहां पे आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा, सॉफ्टवेयर सपोर्ट, मैक्रो एंड पर की RGB।
जो इस कीबोर्ड को स्पेसिफिकली यूनिक बनाता है इस प्राइस ब्रैकेट में। तो ये तो हुई कीबोर्ड की सारी बातचीत, बात कर लेते हैं गेमिंग को लेके। गेमिंग के मामले में हमेशा मैं ये कहता हूँ सेम सा एक्सपीरियंस मिलता है हर एक कीबोर्ड से मेरे को कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि हाँ मैं महंगा यूज कर रहा हूँ तो उसमें कुछ ज्यादा मजा आ रहा है, सस्ता यूज कर रहा हूँ कुछ कम मजा आ रहा है। बस हाँ ये है कि मेम्ब्रेन और मैकेनिकल में डेफिनेटली फर्क लगता ही लगता है। और ये हमारा 60% फॉर्म फैक्टर वाला है तो टेबल पर जगह भी कम लेता है। और बात आती है एर्गोनॉमिक्स को लेकर, तो एर्गोनॉमिक्स भी मेरे को ऐसी दिक्कत नहीं लगी, एलिवेटेड डिजाइन है। बस हाँ एक छोटी सी कमी लगी जो शायद कॉस्मिकेट पूरी कर सकता था, इसके अंदर एलिवेशन वाले क्लिप्स नहीं है पीछे। वैसे तो डिजाइन इसका एलिवेटेड है बट अगर क्लिप्स होते तो सोने पे सुहागा हो जाता कि हाँ किसी को जरूरत है। मेरे को पर्सनली ऐसा नहीं लगा कि हाँ होना चाहिए क्लिप या क्लिप की वजह से मुझे कोई दिक्कत हुई, बट होते कुछ लोग सब्जेक्टिव कि हाँ मजा नहीं आया सब, तो वो एक चीज है जो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ। तो भाई ये था इसका पूरा रिव्यू, 2100 रुपीस का 60% फॉर्म फैक्टर वाला कीबोर्ड है ये हमारा। तो सिंपल से वर्ड्स में आपको बताता हूँ, 2100 के हिसाब से डेफिनेटली अगर 60% कीबोर्ड आप ढूंढ रहे हो तो आप ले सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आपको पर की आरजीबी मिल जाती है, मैकेनिकल ब्लू स्विचेस, ब्राउन रेड के ऑप्शन आने वाले हैं, उसके लिए आप वेट कर सकते हो। और क्या ही बोलूं, मेरे को ऐसा और कोई कमी लगी नहीं है जिस प्राइस पॉइंट पे आता है, बस वही क्लिप वाली लगी थी वो मैंने आपको बता दी। बाकी आपको क्या करना है, लाइक मारना है वीडियो को और क्या करना है, बाकी बाय करना है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से बाय करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।